कासगंज जनपद की कोतवाली सोनो क्षेत्र के बरेली हाईवे पर स्थित नगरिया चौकी के निकट कांवड़ियों की मैक्स गाड़ी पलट गई, जिससे इस हादसे में मैक्स सवार एक कांवड़िए की मौत हो गई और दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के कांवड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। सावन मास शुरू होने के बाद कांवड़िए गंगाजल को भरने के लिए सोनों के लहरा घाट व कछला से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसी के चलते आज राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घिनौता निवासी दिनेश, बलवीर, हेमंत अपने साथियों के संग गंगाजल भरने कछला जा रहे थे, तभी अचानक सोरो थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ के निकट डीजे लगी हुई टाटा पिकअप गाड़ी ने अचानक सामने से गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके चलते पिकअप मैक्स गाड़ी पलट गई, जिनमें हेमंत, दिनेश और बलवीर व उसके अन्य साथी बैठे हुए थे। जैसे ही स्थानीय राहगीरों ने गाड़ी को पलटा देखा तो मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया तथा घटना की सूचना नगरीय पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आज प्रातः 9 बजे थाना क्षेत्र शोरो के चौकी नगरिया के पास कांवड़िए जो भरतपुर राजस्थान के निवासी जो जल लेने कसला घाट जा रहे थे, इनके पास दो गाड़ियाँ थे, एक DCM और एक टाटा एरिस थे जिसपे DJ लगा हुआ था। इस पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, बाकी इनके साथी DCM में बैठे हुए थे। अचानक जो टाटा एस का ड्राइवर था उसने गाड़ी ओवरटेक किया, जिससे डिसबैलेंस होकर के गाड़ी पलट गई सड़क के किनारे। उसमें 3 लोग घायल हुए, हेमंत, बबलू और दिनेश। तत्काल चौकी इंचार्ज और पुलिस ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर हेमंत जिनकी मृत्यु हो गई और दो घायलों का उपचार चल रहा, उनकी स्थिति बेहतर है। रास्ते पर कोई बाधा नहीं है, गाड़ी इनको हटवा दी गई किनारे से, यातायात व्यवस्था दुरुस्त। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।